का ऐसा खेल जरा फिर से बताइए। मैं पहले बार ऐसा खेल देखा है। मैं सुना है गुटगुदी के बारे में, लेकिन गुटगुदी क्या होता है लेकिन मुझे पता नहीं, असली मुझे पता था कि ऐसा खेल है गुटगुदी का। तो हम क्या सोचा है पीछे भागे, उसको पीछे भागना पड़ेगा। मैंने गुटगुदी के बारे में सुनी थी तो हम तो सोचा था कि सर लोग आएंगे और हम लोग को यहाँ आके गुटगुदी करेंगे। गुटगुदी हुआ कि नहीं? गुदगुदी हुआ? सुनाई नहीं दिया। गुदगुदी हुआ? जी। गुदगुदी हुआ? जी। बिना ऐसे किए गुदगुदी हुआ? जी। ऐसे करना। यस। 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 गुदगुदी जैसा कार्यक्रम और होना चाहिए सर। कुछ आपने कुछ बताया उनको कि कुछ ऐसा करना है कि चीप निकालना है, वो भी एक हंसाने का कोई मेथड है। और हंसाते हंसाते अधिकारों की बात की, बाल अधिकार की बात की, वो कैसा लगा? बहुत ही अच्छा लगा। हालांकि उन्होंने भी थोड़ा बता है अपना अधिकार के बारे में, राइट्स के बारे में, फिर भी आपने भी उनको भी थोड़ा और जानकारी दिया है तो बहुत अच्छा लगा। बच्चों को भी, हमको भी लगता है कि बच्चे लोगों को भी बहुत अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा जी। सुना ही नहीं दिया जी। पी ले लो, पी ले लो। थैंक यू भैया। आपके टीचर बहुत मारते हैं आपको? नहीं। आई कांट हियर यू। बहुत मारते हैं? क्या बनना चाहती हो? GDD। कहाँ गई लड़की? हाँ बोलो, आपका नाम बताओ। आसमान को छू के आई भारत का वो नाम कमाई, भारत का वो नाम कमाई। हम भी ऐसा बनना चाहे तारों को हम छूना चाहे। स्कूल हमारा जिंदाबाद। टीचर हमारे बहुत प्यारे। हमको सपने प्यारे हमारे हमारे सपने ढेर सारे खूब सारे खेलना चाहे कूदना चाहे शोर मचाए। सुनो। ओ टीचर जी ओ भैया जी सुनो हमारी बात हम ओके। हमारी बात कहना हमारा अधिकार है। हमारी बात कहना हमारा अधिकार है। पौष्टिक खाना सपने देखना, शांति पानी, हिंदुस्तान ने खाई मलाई।
उसमें निकली लक्ष्मीबाई, उसमें निकली लक्ष्मीबाई, लक्ष्मीबाई ने फोड़ा अंडा, लक्ष्मीबाई ने फोड़ा अंडा, उसमें निकला तिरंगा झंडा, उसमें निकला तिरंगा झंडा, तिरंगा झंडे ने दी आवाज, तिरंगे झंडे ने दी आवाज, हम बच्चे जिंदाबाद, हम बच्चे जिंदाबाद, बाय 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 बाय, फिर मिलेंगे, फिर मिलेंगे, थैंक यू थैंक यू, प्यारे बच्चों, प्यारे बच्चों, प्यारे बच्चों, प्यारे बच्चों। उप प्रधानाचार्य राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय लपाटी कार्मिकोबाद गुदगुदी कार्यक्रम की ओर से मंजुल भारद्वाज और विजय शेट्टी का पदार्पण हुआ और उन्होंने बच्चों के लिए एक कार्यक्रम प्रस्तुत किया। उन्होंने बच्चों को इस कदर हंसाया, इस कदर गुदगुदाया कि वे झूम झूम उठे, आनंदित हो उठे, प्रफुल्लित हो उठे। लगा कि उनके भीतर का सुनामी से संचित जो कुछ भी अवसाद था वो घुल गया, बह गया। यह देखकर बच्चों के चेहरे पर जो अपार खुशियाँ छलक आईं उसे देखकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। सिखाया एप्पल किस
किसने खाया है? हमारे क्या बनना चाहते हो? डॉक्टर।